दोस्तों सफर हिंदुस्तान में आज हम आपको रोबोटिक्स गैलरी दिखाएंगे जो साइंस सिटी के अंदर आया हुआ एक डिपार्टमेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों रोबोटिक गैलरी में जाते हुए आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो वो कुछ नज़ारे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं, वो भी आप घूम सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाकर वो डिपार्टमेंट देख सके। रोबोटिक्स गैलरी के बारे में ही आज पूरी बात करेंगे। दोस्तों रोबोटिक्स गैलरी की एंट्री फीस 200 रुपीस रखी गई है और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के रोबोट्स रखे गए हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे हर एक घंटे पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा जो आपके ग्रुप को लेकर आगे बढ़ेगा और हर सेक्शन में समझाएगा कि वो रोबोट किस टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। और अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो कार्टून कैरेक्टर हैं वो सॉकर खेल रहे थे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पब्लिक जो खड़ी है, अभी रोबोट जो है वो दोस्तों लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें पहले ये तालियां बजाते हैं, कसरत करते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ाई के करतब और जोहर दिखाते हैं। पूरा सेंट्रलाइज एसी सिस्टम है जिसकी वजह से आपको गर्मी में, बारिश में या तो धूप में कोई टेंशन नहीं है साइंस सिटी के अंदर इस डिपार्टमेंट में घूमने के लिए। हमने दोस्तों एक्वाटिक्स गैलरी को भी कवर किया जिसकी टिकट भी 200 रुपीज़ है, लेकिन दोस्तों एक्वाटिक्स गैलरी, रोबोटिक गैलरी और एंट्री फीस 450 रुपये की होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों डिपार्टमेंट आप देखना चाहते हैं एक ही दिन में, तो आपको 350 रुपये की टिकट पे करनी होगी, जिसकी वजह से एक टिकट के ऊपर आपके 100 रुपीज़ सेव होंगे। अब देख सकते हैं स्लो मोशन में कि किस तरीके से जो है एक रोबोट बैडमिंटन खेल रहा है। तो अभी तक हमने सारे जो है बच्चों से रिलेटेड रोबोट देखे जो गेम खेलते हैं इंसानों के साथ, या तो फिर दोस्तों जो है कि आप कह सकते हैं कि जो और खुद रोबोट टू रोबोट भी गेम खेलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरे भी बहुत बड़े बड़े रोबोट्स रखे हुए हैं जो काम करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी हैं और ऐसे रोबोट्स भी हैं जो चंद्रयान और मंगल ग्रह पर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों हर सेक्शन में अब रोबोट्स का कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि खेती में हर चीज़ का छिड़काव के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, अंतरिक्ष में जाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, आप कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम में जो है वो रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इंसानों को होने वाला नुकसान कम से कम किया जा सके और वो नुकसान जो है वो मशीनरीज झेल लेंगी। अब यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल रोबोट दिखा रहा हूँ और ये रोबोट जो है स्पाई कैम है कि जो यूज़ किया जा सकता है दुश्मनों के ऊपर निगरानी करने के लिए। तो ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव आपको सब कुछ समझाएगा इन रोबोट्स के बारे में। अभी सामने वाला जो रोबोट देख रहे हैं ये कांच में कहाँ पर दरार या क्या फिक्स करना है, वो उस कांच को, वजन वाली चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए और वहाँ पर फिक्स करने के लिए है। तो ऐसे कुछ वॉल क्लाइंबिंग रोबोट्स का एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है। अब ये देखिए ये यहाँ पर लीकेज ढूंढने वाला रोबोट है कि कहाँ पर लीकेज है दीवार में और उसको वो फिक्स करेगा या तो आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे रोबोट जो हैं यहाँ पर हैं। वन टाइम एक्सपीरियंस है, आपको जाना ज़रूरी है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, यहाँ पर रोबोट्स अलग अलग किस्म के रखे हुए हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ रोबोट्स तो ऐसे भी हैं जो डेली यूज़ में भी इंसान यूज़ कर रहे हैं, जो आजकल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और ख़ासकर मुझे दोस्तों ये सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, माइक्रो रोबोट्स। माइक्रो रोबोट्स की साइज़ दोस्तों आधे इंच से लेकर 3 इंच तक के छोटे छोटे रोबोट्स थे जो दुश्मनों की गतिविधियों को ध्यान रख सकते हैं और किसी भी कंडीशन में ये है जो अकोमोडेट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एक छोटी सी टिड्डी के रूप का रोबोट अगर होगा तो वो फ्लाई भी कर सकेगा और वो दोस्तों ज़मीन में पत्तों के बीच में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो खुफिया जानकारी ले आ सकता है दुश्मनों के खेमे से और वहाँ के आपको फुटेज भी प्रोवाइड करवा सकता है, जिसको माइक्रो नैनो रोबोट्स कहा जाता है। और ये आपको यहाँ पर चलचित्र के द्वारा दोस्तों समझाया भी गया है। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग सेक्शन भी है। हम अभी जो सेक्शन में हैं यहाँ पर इंडिया के रोबोट्स रखे हुए हैं, जहाँ के भारतीय स्टूडेंट्स ने जो रोबोट्स बनाए हैं, खास करके गुजरात यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं और भारत ने जो रोबोट्स बनाए हैं उसका एक प्रतिकृति यहाँ पर रखी हुई है ताकि लोग उसको निहार सके कि भारत भी किसी से पीछे नहीं है। वर्चुअल रियलिटी रोबोट्स की गैलरी में जाने का एक्स्ट्रा टिकट है जो आपको नीचे से ही खरीदना होगा। अब चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं ये म्यूजिकल इवेंट और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या इवेंट है।
दोस्तों अब आपने देखा कि रोबोट्स किस तरीके से डांस कर रहे हैं, तो यहाँ धतड़ धतड़ जो सॉन्ग था रणवीर सिंह का, उस पर डांस किया। और उसके बाद होने के बाद मैं नज़दीक से आपको रोबोट्स दिखा रहा हूँ। ये तीन रोबोट्स कसरत भी कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बाहर की तरफ चलते हैं। और बाहर जो है दूसरे एनिमल के तरीके के रोबोट्स रखे हुए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक अच्छा सा ब्रिज बनाया हुआ है एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नीचे ये जो है डांस करती है, जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं तो एक और ग्रुप जो है अंदर आने के लिए आपको तैयार दिख रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और कैसा लगा एपिसोड कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।